ये भी मछली का काटा जो शहतील की जगह पे यूज किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं विलेज हेरिटेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जाएंगे जी अलीपुर सईदा शरीफ, वहाँ पे फातिहा खानी करेंगे और आपको कैमरे की आंख से अल्लाह के वलियों के दरबार की ज़ियारत कराते हैं। और यहीं से करते हैं आज का सफ़र स्टार्ट। आइए मेरे साथ। था चलन उनका रब से था मिलन, उनका रब से था मिलन, देखे उनका था चलन, मैं करे सिद्को वफा। मरहबा सल्ले आला, मरहबा सल्ले आला, मरहबा सल्ले आला, मरहबा सल्ले आला, मरहबा सल्ले आला। नज़िशे चरखे कोहन साकिये ओजे गगन, साकिये ओजे गगन, नज़िशे चरखे कोहन सब ने मिल जुल के कहा। मरहबा सल्ले आला, मरहबा सल्ले आला, मरहबा सल्ले आला, मरहबा सल्ले आला, मरहबा सल्ले आला। हाजिर थे सारे नबी, थे इमामत पे फा इज हमारे नबी, थे इमामत पे फा इज हमारे नबी, सायरे लामा का प्यारे प्यारे नबी। अर्श पे शाहे जमन,
चंद तारे हैं मगन, चंद तारे हैं मगन, अर्श पे शाहे जमन, नूरो गिल्मा ने कहा मरहबा सल्ले आला, 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 جب کے طائف گئے بحر تبلیغ دی جب کے طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارنے خون کفش مبا رکھ میں تلوے جمے خون کفش مبا رکھ میں تلوے جمے ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے زور زخموں سے وزن دل کو دیتی تھی چبھن دل کو دیتی تھی چبھن زور زخموں سے وزن لپ جاری تھی دعا مرحبا صلی اعلی 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 جب حلیمہ چلی لے کے سرکار کو جب حلیمہ چلی تیز رفتار تھی اونٹنی ہو گئی غیب سے کان میں یہ صدا آ گئی غیب سے کان میں یہ صدا آ گئی تم کو انمول سوغات رحمت ملی خود میں شاہ زمن ہم نبی کے للن ہم نبی کے للن خود میں شاہ زمن عرش سے آئی ندا مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی دوسرا عرس ہوتا ہے جی یکم اکتوبر اور علاوہ اور بھی عرس وغیرہ چلتے رہتے ہیں ان کی ڈیٹ وغیرہ آپ کو بتاتے ہیں دربار کی طرف سے بھائی اگر کوئی علی پور آنا چاہے تو آسان رستہ سیالکوٹوں کیڑا لگے گا تو نارولوں کیڑا رستہ آسان لگے گا نارول تو مین روڈ اگر تھی مین روڈ سے آ جاتے ہو پسرور روڈ کسی نے بھی پوچھو کہ علی پور سیدہ شریف جانا ہے یا پسرور روڈ کا پوچھ دے کسی کسی نے تو نارول تو 16-17 کلو میٹر اگر تھی ٹریول کر دے ہو تو مین اسٹاپ ہے ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁੱਟਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਸਰੂਰ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾਰਵਲ ਰੋਡ ਨਾਰਵਲ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 16-17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਅਲੀਪੁਰ ਸਹੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਸਟਾਪ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਜੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਅਭੀ 1 kilometer या 1.5 kilometer अंदर की तरफ जाएं तो अलीपुर सईदा शरीफ आ जाएगा।
सैयद जमात अली शाह साहब इब्ने सैयद करीम अली शाह साहब अलीपुरी की वलादत बासादत 1841 ईस्वी अलीपुर सईदा ज़िला सियालकोट में हुई। आप हजरत कुतुब शिराजी की औलाद से हैं। आपका सिलसिला नसब हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है। आपने 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। बचपन से ही आपकी पेशानी मुबारक पर नूर वलियत फायज होता था और मुजद्ददाना बुजुर्गी के आसार नमाया थे। कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद आपने नामवर असातिज़ा असर से कुतब मकूल मनकूल तफसीर फिका और हदीस शरीफ की तालीम हासिल की। आपने अफगानिस्तान कश्मीर बर्मा और ईरान तक तबलीग इशात इस्लाम के सिलसिले में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। इस दौरान बेशुमार गैर मुसलमों ने आपके हाथ पर दीन इस्लाम कबूल किया। बर्रे सगीर पाको हिंद में आपने बहुत सारी मस्जिदें तमीर कराई। आपने 1903 में लाहौर में अंजमन ख़दाम अल सूफिया की बुनियाद भी रखी। लामा मोहम्मद इकबाल आपके कदमों में बैठना सआदत समझते थे। लामा मोहम्मद इकबाल आपके कदमों में बैठना सआदत समझते थे। तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म और मुस्लिम लीग को हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहिब किया पूरा पूरा तावन हासिल था। आपकी मेहनत और लगन ने तहरीक के पाकिस्तान को बहुत आसान कर दिया। हजरत ने पेशगोई फरमाई थी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम होकर रहेगा। ये वो नाजुक दौर था जब बहुत बड़े बड़े उलमा एलानिया कांग्रेस का साथ दे रहे थे। आपने पुरजोश अंदाज में तहरीक पाकिस्तान की हमायत की। आपने कायद आज़म को 2 झंडे अता फरमाए। एक झंडा सबज रंग का आपने फरमाया सबज रंग का झंडा मुस्लिम लीग का है और दूसरा कुफर का। आपने इश्तहारों के जरिए ऐलान फरमाया कि मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा हो जाएं। इस वक्त 2 झंडे हैं, एक हलाली परचम मुस्लिम लीग का और दूसरा कुफर का है। अब फैसला आप करो तुम किसके साथ हो। चनाचे इस फरमान की तकमील में हजरत के 20 लाख से ज़ायद मरीदों और अकीदतमंदों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया। आज दुनिया भर में कोई जगह ऐसी नहीं जहां आपका नाम लेवा और अकीदतमंद मौजूद ना हो। आखिरकार 111 बरस की उम्र में आपने 1951 में जुमातुल मुबारक की दरमियानी शब
पौने दस बजे आपने विसाल फरमाया इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने अपने पीछे तीन साहबजादे और एक साहबजादी छोड़ी। अभी हम एक ऐसी मस्जिद में जा रहे हैं जिसके साथ मंसूब है कि उसमें शहतीर की जगह मछली का कांटा इस्तेमाल किया गया। आज देखते हैं वो किस तरह का, आपको भी दिखाते हैं कैमरे की आंख से। आइए जी हमारे साथ। इस मस्जिद के अंदर भी मछली का शहतीर और कांटा यूज किया गया। शहतीर की जगह ये भी मछली का कांटा जो शहतीर की जगह पर यूज किया गया। Thank you.
ये सुरंग है जी, ये इसका एक एंड तो पाकिस्तान में, दूसरा कहते हैं जी इसका एंड इंडिया में है। तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं इख्तिताम, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह नी के पास।